Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys यार आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि last episode में Big Mafia के भाई ने Duggan Boss को मारने का बहुत तगड़ा plan बना लिया था. मतलब यार अभी Big Mafia का भाई चाहता है इन दोनों की वो आपस में लड़ाई करा दे. Means दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई होगी, फायदा हमें हो जाएगा. बीच में से जाकर हम दोनों को निपटा देंगे. और फ्रैंकलिन को मैंने मिलने के लिए बुलाया था, यहाँ पर आ भी गया. फिलहाल अभी आज हमें काफी सारा काम है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया भी है. फिलहाल वो मैटर तो अपना सोल्व हो गया था क्योंकि मैंने बिग माफिया के भाई से बात कर ली थी कि वो मिलिट्री कर्नल को बोल दे कि अपनी ट्रेन को लॉस सैंटोस में आने की परमिशन दे दे. और वैसे भी उसकी अच्छी खासी बातचीत है और मिलिट्री कर्नल ने परमिशन दे दी. और अपनी जो ट्रेन है वो उस टाइम पे मेन ट्रैक पे खड़ी हुई है. मुझे कॉल आ चुका है, उन्होंने कहा भाई जल्दी से जल्दी आओ और ट्रेन को लेकर यहाँ से तुम्हें ही जाना पड़ेगा क्योंकि भाई उस चक्कर में ना बाकी ट्रेन आगे नहीं आ पा रही है. तो मेन ट्रैक पर सीधी सी बात, अभी ट्रेन को ना जल्दी से हमें लॉस सैंटोस लाना है और किसी ऐसे ट्रैक पे खड़े करके गाड़ियां सारी की सारी ना उतरवानी पड़ेगी. मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रखा हूँ कि आखिरकार मैं गाड़ियां लेकर कहाँ जाऊंगा क्योंकि यार देखो सीधी सी बात है अपना नया वाला शोरूम अभी तक बना नहीं है. और पुराने वाले शोरूम में ले जाऊंगा ना गाड़ियां तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा, उसके लिए काफी सारे बंदे चाहिए क्योंकि जो रेलवे ट्रैक है वो उस वाले शोरूम से काफी ज्यादा दूर है. तो वहां से तो भैया मतलब लंबा ही चक्कर लग जाएगा, एक एक गाड़ी हम लोग ले लेके जाएंगे. बैग है ना गाइस वो हम लोग बिग माफे के भाई के कहने पे उसके पास लेके जाएंगे क्योंकि वही है वो बैग जो कि हमें Duggan Boss के घर तक कैसे भी करके पहुंचाना है ताकि हम लोग एल रूबियो को ये बोल पाए कि ये जो चोरी है ये Duggan Boss ने करवाई है, तुम जाकर देख लो जो तुम्हारा टाइगर चोरी हुआ था भाई वो सच्ची में बहुत ज्यादा कीमती होगा. क्योंकि आप लोग खुद सोचो एक वो जो मंकी था वो इतना ज्यादा कीमती हो सकता है, तो वो टाइगर जो एल रूबियो ने इतना बड़ा वॉल्ट बनवाया अपने घर के नीचे, उतनी सिक्योरिटी लगवाई है, वो पूरी उसी के लिए थी और हमने वो चुरा लिया है. और वही टाइगर अगर हम लोग बोल देंगे कि Duggan Boss ने चोरी करवाया है तो दोनों भाइयों की वैसे इतनी ज्यादा तगड़ी लड़ाई है. और इस बार तो भाई एक दूसरे को मारने के लिए तो वैसे Duggan Boss नहीं मारेगा, एल रूबियो से खुद जाके मारेगा. बट वैसे मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि एल रूबियो से मार भी पाएगा या फिर नहीं क्योंकि पहले तो Duggan Boss कमजोर था बट अभी उसके पास जो सिक्योरिटी है ना वो नॉर्थ एंगटन का मालिक है और उसका भाई कायो पेरिको का मालिक है. मतलब कुछ पता नहीं है भाई इन दोनों की कैसे लड़ाई होने वाली है. बट हमें इन दोनों की लड़ाई के बीच में ही Duggan Boss को कैसे भी करके खत्म करना है क्योंकि सीधी सी बात है वो कमजोर पड़ जाएगा तब इन दोनों की लड़ाई पड़ेगी, हमारे पास तब एडवांटेज होगा. अपनी गाड़ी को ना अभी बहुत तेज भगाता हूँ और सीधा मुझे वहां पर लेकर चलना है जहाँ अपनी ट्रेन को लास्ट टाइम इन लोगों ने रुकवा रखा था. 20-30 मिनट का टाइम है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि ये ट्रेन को वापस से साइड वाले ट्रैक पे लगा देंगे जहाँ पर ट्रेन कोई आती जाती नहीं है क्योंकि मेन ट्रैक के चक्कर में ना लॉस सैंटोस की कोई भी मतलब कोई भी ट्रेन इस टाइम पे लॉस सैंटोस नहीं आ पा रही होगी. तो गाइस इसीलिए ना बातें थोड़ी बहुत कम करते हैं और फटाफट से अपनी गाड़ी को भगा लेते हैं सीधा उसी रेलवे ट्रैक के लिए जहाँ पर अपनी ट्रेन खड़ी हुई है. ओके गाइस लेट्स गो. फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेके पहुंच चुके हैं सीधा उस जगह पे जहाँ पर इन लोगों ने अपनी ट्रेन को रोका हुआ था. और फाइनली गाइस अभी इन लोगों ने अपनी ट्रेन को जो है मेन ट्रैक पे लगा दिया है. मैं काम करता हूँ गाइस अपनी गाड़ी को ना यहीं पर साइड में पार्क कर देता हूं और लगे हाथ ना इसको भी ट्रेन पे लोड करवा लेंगे क्योंकि सीधी सी बात है इसको गाड़ी को लेने स्पेशल कोई बंदा यहां पर आएगा नहीं. फिलहाल फ्रैंकलिन को मैं अपने साथ इसीलिए लेकर आया हूं ताकि गाड़ी लोड करवा दे. वैसे गाड़ी लोड करने से बढ़िया फ्रैंकलिन चला के ही ले आएगा, तो सबसे बढ़िया इसको चला के ही लाने देंगे. और यहां पर एक ट्रेन आज इन्होंने और रुकवा रखी है राइट साइड पे और यहां पर इसके अंदर से लग रहा है कोई सामान वामान निकला है जो कि पुलिस ऑफिसर चेक कर रहा है. और ये ट्रेन के ड्राइवर की भाई अभी लग रहा है बहुत गंदी वाली यहां पर कुटाई होने वाली है. फिलहाल अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है भाई, ये कुछ ड्रग्स व्रग्स लेकर जा रहा था, गंदी कुटाई होगी. चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं. अपने पास जितनी भी गाड़ियां आई हैं सारी की सारी बहुत ज्यादा महंगी है और यहां पर मुझे ना अभी ऊपर जाकर मेन ऑफिसर से बात करनी होगी. वही हमें बताएंगे भाई कि अभी ट्रेन वैसे मेन तो ट्रेन को यहां से मतलब एक्सेस देना है मेन ट्रैक का. तो ओके गाइस अभी फिलहाल ये कह रहा है जल्दी से ट्रेन को निकलो, एक्सेस वैक्सेस सब दे रखा है, 10 मिनट का टाइम हो रहा है वरना यहां पर दूसरी ट्रेन आने वाली है. चलो चलो यार जल्दी से हम लोग ट्रेन में बैठते हैं और यार मुझे टॉप के ही जाना पड़ेगा अभी ट्रेन के अंदर बैठने के लिए. तो ओके गाइस लेट्स गो. अभी फिलहाल मैं आ चुका हूं सीधा इंजन में और फ्रैंकलिन जो है भाई वो राइट साइड में वहां पर जाकर खड़ा हो गया. चलो यार अभी फिलहाल बातें बहुत हो गई है, जल्दी से हम लोग सायरन मारते हैं अपनी ट्रेन का और फटाफट से इस ट्रेन को यहां से भाई मुझे ना थोड़ा बहुत संभाल के चलाना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन अगर ज्यादा स्पीड में गई ना तो भाई ये फिर पटरी से गिर सकती है, डीरेल हो जाएगी बहुत गंदी तरह. इसलिए थोड़ा बहुत संभाल के चलाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है. काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है यार बड़े दिनों बाद ट्रेन चला रहे हैं, अपनी सारी गाड़ियां भाई इतनी दूर से एकदम सेफली कंट्री में जाने वाली है फाइनली लॉस सैंटोस. अब बाकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, इसे आराम से ले जाना है, कोई दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए. वैसे कितनी गाड़ियां मेरे पास टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 काफी सारी सही सही गाड़ियां हैं. ये तो जो टॉप पे आप देख पा रहे हो ना
ये सारी जी वैगन है और इसके नीचे फरारी है और पीछे के साइड पे भी काफी अलग अलग कार्स आई हैं। ओके गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, बिना फिलहाल जो अपनी ट्रेन है वो पूरे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही थी और अभी अभी भाई ये डीरेल होते होते बचे। पीछे का कोई डब्बा, ओके सारे भाई सब कुछ एकदम ठीक है। आपने देखा होगा झटके से शेक सी हो गई थी स्क्रीन, वो भाई पूरी जमीन हिल गई थी, मतलब ये अपना जो इंजन है पूरा हिल गया था, क्योंकि भाई जितने भी कट है ना यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी ज़्यादा पड़ जाती है। ऊपर आप लोग रेड वाला मीटर देख पा रहे हो भाई कैसे बढ़ता जा रहा है, बहुत कम स्पीड, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। फिलहाल आगे सीधा ट्रैक है, वहाँ तो अगर हम लोग इसको 100 किलोमीटर पर आवर पे ही भगाएंगे ना, मतलब 1000 पे ही भगा लेंगे सीधे ट्रैक पे। तो ओके गाइस लेट्स गो, फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं, बस हमें यहाँ से थोड़ा बहुत आगे और जाना है। अपनी भाई कोई गाड़ी ऊपर भिड़ी तो नहीं ना भाई, कसम से पूरा फ्लाईओवर के एकदम जस्ट नीचे से ही निकली है, वरना तो अभी ठुक जाती भाई गंदी तरह। और हमें यहीं पर अपनी ट्रेन को लेकर आना था, अभी मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे अपनी ट्रेन रोकनी कहाँ पर चाहिए, क्योंकि उस बंदे का जो गैराज है ना वो यहीं कहीं पर पास में है। मुझे ना ये ढंग से जगह भी, मतलब जगह तो पहचान में आ रही है बट उसके गैराज की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है वो मुझे देखना पड़ेगा। हमें ज़्यादा चलना फिरना नहीं पड़ेगा यहाँ पर, एकदम उसके गैराज के सामने ही मैं अपनी ट्रेन रुकूंगा और सारी गाड़ियाँ उतार उतार के गैराज के अंदर रखवा देंगे। गैराज कहाँ चला गया यार, उसका गैराज यहीं पर था मुझे अच्छे से याद है, शायद यार मैंने गलती से अपनी ट्रेन को थोड़ा सा आगे लेकर आ गया हूँ या फिर गैराज आ गया। याद आया शायद से उसका गैराज यहीं पर है, यही। ओके गाइस फाइनली हमें वो जगह मिल चुकी है, बोरा सामने उसका गैराज। अपनी ट्रेन को हम लोग यहीं पर रोक देते हैं और अभी ना जल्दी से चल के मैं उससे बात करता हूँ। अभी मेरे को ना गाइस उससे मतलब कि वो रैंप्स लाने पड़ेंगे जिससे अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो धीरे धीरे करके ट्रेन से अनलोड होगी। फिलहाल यहाँ पर अब बस कोई ट्रेन ना आए, वैसे अगर आएगी तो पीछे से नहीं आएगी क्योंकि उन लोग को मालूम है कि अपनी ट्रेन अभी तक डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंची होगी। फिलहाल जल्दी से मैं बाहर आ चुका हूँ, फटाफट से हम लोग चलकर एक बार उससे बात करते हैं और उसको मैं बताता हूँ। बाकी फ्रैंकलिन को ना यहीं पर खड़े रहने देते हैं क्योंकि भाई ध्यान रखना जरूरी है, इतनी सारी महंगी महंगी गाड़ियां लेकर हम लोग आए हैं, कोई लॉस्ट गैंग का बंदा आ जाए और चिढ़ के हमारी गाड़ी तोड़ दे या फिर भाई पूरी ट्रेन ही चुरा कर ले जाए, कसम से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा मेहनत लगे भाई इस ट्रेन को यहाँ तक लाने में। फिलहाल यही है वो गैराज लॉस सैंटोस कस्टम, तो इसी से हम लोग बात करके अपनी सारी गाड़ियां अंदर करवाते हैं। तो ओके गाइस लेट्स गो, भी फटाफट से हम लोग चलते हैं सीधा इस गैराज के अंदर। और हेलो भाई कोई गेट, ओके तो फाइनली यहाँ पर जो गैराज स्टोर है ये खुल चुका है। और ये गैराज सच्ची में कितना ज्यादा घटिया है भाई, यहाँ पर अपनी गाड़ियां आ भी नहीं पाएगी। बैनी ने क्या सोच समझ के मैं भाई ये जगह दी है, ये भाई सब्जी का गैराज है। खैर छोड़ो, इसके मुंह के आगे मैं इसके गैराज की क्या ही बेइज्जती करूं। फिलहाल अभी इसके अंदर बस अपनी सारी गाड़ियां आ जाए भाई, मुझे लगता नहीं है मुझे बाहर खड़ी करवानी पड़ेगी भाई अपनी गाड़ियां। बट अगर मैं आधी गाड़ियां यहाँ लाइन से लगा दूं, चार पांच इधर आ जाएगी, मान लो पांच इधर आ गई, दो उसके अंदर आ सकती है वॉशिंग एरिया में, बाकी दो फरारी अपनी इस साइड पर चले जाएगी। तू सफाई कर ले भाई इस गैराज को, कितना भी साफ कर ले भाई ये अच्छा नहीं होने वाला भाई, इसको तोड़ के बनाना पड़ेगा दोबारा। वैसे नहीं यार गैराज बड़ा है, सामान वामान थोड़ा साइड करेंगे ना तो एक दो तीन चार गाड़ियां इधर आ जाएगी, इसके नीचे भी एक लगा सकते हैं हम लोग, पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह गाड़ियां भाई यहां पर आ सकती है। और अपने पास भी काफी सारी, नहीं यार अपने पास भी टोटल ग्यारह ही गाड़ियां हैं भाई, मतलब हो जाएगा अपना काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल रैंप वगैरह लाके लगाने पड़ेंगे ताकि हम लोग सारी गाड़ियों को नीचे उतारे एक एक करके। पीछे की तरफ में गाइस ये है टायरेंट, ये है ज़ेनोट्रोनो, और ये ऊपर कौन सी गाड़ी खड़ी है यार, ये बिल्कुल अपनी जेस्को जैसी लग रही है, बट ये जेस्को है नहीं, काफी ज्यादा अच्छी कार है वो भी, बट ये तो एक जी वैगन है ना गाइस। और फ्रैंकलिन कैसे की तैसी ये ट्रेन में चढ़ के बैठ गया और अपनी जेस्को वहीं खड़ी रहेगी भाई, क्या बंदा है यार, उसको मैंने बोला था जेस्को उठा लियो तू। ओके गाइस अभी ना फिलहाल फ्रैंकलिन ने पीछे एक गाड़ी तो बाहर निकाल दिया है, जल्दी से मैं भी इस गाड़ी को लेकर यहाँ से बाहर निकालता हूँ, मेरी बारी है। हम दोनों लोग एक एक करके सारी गाड़ियां यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। फिलहाल पहले इस ट्रेन को चले जाने दो, पता चला भाई अपनी ट्रेन में ठुक जाए। वैसे मैं क्या फालतू की बात कर रहा हूँ, वैसे गाइस यार सच्ची में जो ज़ेनोट्रोनो है ना काफी ज्यादा तगड़े कलर की है, मतलब एक बार आप लोग इस गाड़ी का ना कलर देखो ध्यान से। फिलहाल मुझे ना बहुत तेजी स्पीड में लाना पड़ेगा, ओ तेरी भैंस की अभी तो बड़ी गंदी वाली ठुकती भाई अपनी गाड़ी सारे लोहे में। यार देखो ट्रेन से ना गाड़ियां एकदम सेफली आ तो जाती है बट उसके बाद फिर यही दिक्कत होती है इनको उतारने की, उसी में थोड़े बहुत डेंट आ जाते हैं गाड़ी में, बट मैंने काफी ज्यादा सही तरीके से उतार दी, गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। बट फ्रैंकलिन ने उतारा इस कार को, ये है टायरेंट। हम लोग भी अपनी गाड़ी को साइड में खड़े करते हैं, एक एक करके सारी निकालते हैं, नीचे की जितनी भी कार्स हैं ना उसमें दिक्कत आएगी, बाकी जो कार्स ऊपर रखी हुई है जी वैगन भाई उसमें तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि ऊपर से गाड़ियां इजीली आ जाएगी। तो ओके गाइस लेट्स गो, अभी फिलहाल फ्रैंकलिन और मैंने एक एक करके सारी की सारी गाड़ियां इस ट्रेलर से नीचे उतरवा दी है और ये है अपनी लास्ट कार जी वैगन। और कसम से यार ये जो गाड़ी है ना मेरे को इतनी ज्यादा बढ़िया लग रही है, इस गाड़ी को हम लोग अपने शोरूम में नहीं ले जाएंगे बेचने के लिए, ये गाड़ी आज से अपनी पर्सनल कार हो गई है क्योंकि यार अभी तक अपने पास कोई भी बढ़िया एसयूवी नहीं थी, बट अभी फाइनली हमें अपनी फेवरेट कार मिल चुकी है। और सामने से ना गाइस एक ट्रेन और आ गई थी, और अच्छी बात तो यह है कि इस ट्रेन
का जो ड्राइवर है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया था, और मैंने इसे बोल दिया कि ये वाली जो ट्रेन है ये भी तुम अभी साइड कर लेना और अपनी ट्रेन को यहाँ से निकाल लेना फिलहाल। उससे पहले हम लोग ना भाई, वैसे पता बहुत अच्छी बात है, उसने भाई दूर से ही देख लिया था अपनी गाड़ियों को, मतलब अपनी ट्रेन को, वरना तो भाई वो सीधा ठोक देता ना लागे तो तीन चार गाड़ियों का नुकसान हो जाता, क्योंकि सारी गाड़ियां मैं ऑलरेडी उतार चुका था, बस तीन चार गाड़ियां बची थी। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग इसे अंदर लेकर चलते हैं इस वेयर हाउस में, मीन्स इस गैराज में खड़ा करने के लिए। अपनी ये तो अपनी गाड़ियां ना गाइस, इसको क्यों लेकर जा रहे, इसको यहाँ पार्क कर दो, आज इसको लेकर हम लोग घर जाएंगे भाई, इसको नहीं बेचेंगे। जो बाकी गाड़ियां हैं ये सारी इस गैराज के अंदर खड़ी करते हैं, जैसे ही अपना वाला शोरूम, सबसे बड़ा वाला शोरूम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ये सारी गाड़ियां ट्रेलर में भर के बैनी के साथ वहां पे मूव करवा देंगे। वैसे यार यहाँ पर देखो कितनी सही सही कार है, ये वाली जो पीछे ये वाली कार है ना भाई, ये कार मेरे को समझ नहीं आई भाई कौन सी है, काफी ज्यादा तगड़ी लग रही है, पूरी अपनी जस्को जैसी है बट कसम से काफी ज्यादा बढ़िया। और ये अपनी कन्वर्टेबल फरारी पिस्ता, इसको लेकर चलता ऊपर है इसकी, इसका साउंड तो काफी ज्यादा सही है। तो ऊपर से यार गंदा पानी गिर रहा है, एक सेकंड साइड निकालो भाई, इतनी घटिया जगह है, नहीं सामने लेके चलते गैराज में खड़ी करते यार। अभी पता नहीं यार खाली पीली कैसी कैसी जगह पर आना पड़ जाता है, वैसे खाली पीली नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था ये भी। पर अपनी ये वाली कार को ना मैं यहाँ साइड में लगा देता हूँ, कुछ इस तरीके से लगाता हूँ कि दो गाड़ियां यहाँ पर अंदर आ जाए, क्योंकि भाई जगह बहुत कम है। अगर हो सकेगा ना तो मैं फ्री टाइम में से किसी दूसरे गैराज में मूव करवा दूंगा, क्योंकि यार इस गैराज में कुछ भरोसा नहीं है, ये बंदा बैनी के लिए तो ट्रस्टेड है बट भाई मेरा पता नहीं, क्या पता गाड़ी लेके ना भाग जाए सारी। फिलहाल जल्दी से गाइस सारी कार्स लाते हैं एक एक करके और इस गैराज में खड़ी करवा देते हैं। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने ऑलमोस्ट सारी की सारी गाड़ियां जो है उस गैराज में रखवा दी है, और ये है अपनी लास्ट कार ज़ेनोट्रोनो, और यार सच्ची में काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। और जो अपनी वाली ट्रेन थी गाइस वो फ्रैंकलिन लेकर जा चुका है, और ये दूसरी वाली ट्रेन वो जो पीछे रुकी हुई थी ना ये भी अपना यहाँ से जा रही है। और फिलहाल फ्रैंकलिन को मैंने बोल दिया कि ट्रेन तो वहां ले जाके खड़ी कर दियो मेन टर्मिनल पे, बट उसके बाद ध्यान से अपनी जेस्को जरूर ले आइयो भाई वहां से, क्योंकि यार पहली बात तो वो गाड़ी है भी इतनी ज्यादा अच्छी, और दूसरी बात तो ये कि भाई उस गाड़ी ने ही हमें उस रेस को जितवाया था, इसलिए भाई वो गाड़ी मैं कभी भी अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। फिलहाल यार यहाँ पर ये वाली गाड़ी ना मैंने थोड़ी गलत ही लाके खड़ी कर दी, बट फाइनली यहाँ से मैंने इसे निकाल दिया है, और अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसको इधर ही पार्क कर देते हैं। मुझे ये वाला गैराज ना सच्ची में बहुत ज्यादा छोटा लग रहा था, बट यार यहाँ पर ना ऑलमोस्ट मैंने अपनी सारी की सारी कार्स को एकदम बढ़िया तरीके से एडजस्ट कर दिया है। यहाँ पर अभी दो कार्स और आ सकती है, बट फिर बाहर निकलने का रास्ता ही बंद हो जाएगा, मतलब गाड़ी बाहर निकालने का रास्ता बंद हो जाएगा, एक एक गाड़ियां बाहर निकालनी पड़ेगी। बट अभी कुछ ऐसा सेटअप है ना, मैं जो चाहूँ वो कार बाहर निकाल सकता हूँ डायरेक्टली, मतलब अगर येलो वाली कार बाहर निकालनी है तो वो भी आ जाएगी, उसके लिए मेरे को कोई भी कार हटाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर ग्रीन वाली कार निकालनी है तो वो ब्लॉक हो गई है, उसके लिए मुझे पहले व्हाइट वाली कार बाहर करनी पड़ेगी, फिर ही ग्रीन वाली आएगी। फिलहाल अभी तो हम लोग जल्दी से निकलते हैं सीधा भाई मद्रासो के घर पर, क्योंकि यार सीधी सी बात है हमें उसे वो बैग देना है, और वो जो बैग है भाई मैंने अपनी गाड़ी में लाकर रख दिया था। लेट्स गो, फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी को भी लेकर निकलते हैं सीधा मद्रासो के घर पर। यार कसम से ये जो गाड़ी है ना बहुत ज्यादा हैवी है, एक बार ही ना आप लोग इसे ध्यान से देखना, जैसे मैं इसमें रेस दूंगा कैसे उठ के चलेगी एकदम मस्त तरीके से। ओके गाइस, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को रोड पे लेकर आ चुका हूं, और अब मैं दिखाता हूं भाई आपको इस गाड़ी की जो लुक है कितनी ज्यादा सही है। भाई सब अभी लुक दिखाने के चक्कर में सामने पिलर में जाके ठुक जाती, चलो कोई नहीं यार फिलहाल लुक वुक बाद में दिखाएंगे, फटाफट से मद्रासो के पास चलते हैं, उसको उसकी इंपॉर्टेंट फाइल देते हैं। तो गाइस यार सच्ची में ये जो गाड़ी है ना देखने में तो हैवी है ही, बट चलने में भी हैवी है, और साथ के साथ इसके जो कंट्रोल्स है वो कुछ ज्यादा ही हैवी है, मतलब जैसे रॉल्स रॉयस नहीं टर्न लेती धीरे धीरे, कुछ उस टाइप से भाई इसका भी टर्न जाता है एकदम स्मूथ सा। ये देखो ये मोड़ा मैंने, मतलब झटके से मोड़ना होना तो ये गाड़ी भाई सीधा सामने वाले को ठोक ही देगी। और फाइनली हम लोग बातों ही बातों में पहुंच चुके हैं सीधा मद्रासो के घर पे। बड़े यार यहाँ पर तो इसने नीचे वाला गेट बंद कर रखा है, एक सेकंड यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इतना ज्यादा बड़ा घर है अभी इसमें भी पता नहीं क्या ही बनवाना चाहता है। अभी या तो मैं पैदल अपनी गाड़ी खड़ी करके यहाँ सीढ़ियों से जाऊँ, बट नहीं यार मैं सीढ़ियों से नहीं जाऊंगा, आगे जो फ्रंट गेट है ना इसका मेरे को थोड़ी सी गाड़ी घुमा के लानी पड़ेगी, मेन गेट से चलते हैं भाई, इतनी ज्यादा महंगी कार लेकर आए हैं उसको भी तो थोड़ा बहुत दिखाएंगे ना भाई। फिलहाल जल्दी से मैं अपनी गाड़ी, ये देखो ये मैं कह रहा था इसका टायर मैक्स देखो कितना मुड़ रहा है, बस इतना सही मुड़ रहा है, बट जो भी है काफी ज्यादा मजेदार कार है, इससे ऑफ रोडिंग करने का जो मजा आएगा ना भाई वो मजा भाई और किसी कार में नहीं आने वाला। फिलहाल आगे वाले कट से मुझे अपनी गाड़ी को राइट मोड़ना है, और पिकअप भी काफी ज्यादा सही, बहुत तारीफ होगी यार। अभी हम मद्रासो घर पे पहुंचते हैं पहले, फिर देखते हैं आगे क्या सीन है। ब्रो 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 हटा लो अपनी गाड़ी, ओ तेरी भाई साहब, अभी ये बंदा बहुत गंदी तरह पिटता, वैसे उसी की गाड़ी का ज्यादा नुकसान होता, क्योंकि अपनी गाड़ी कोई कच्ची गाड़ी नहीं है भाई, उसकी पूरी टूट जाती गाड़ी आगे से, और अपनी गाड़ी पे एक छोटा मोटा डेंट आ जाता। फिलहाल हम लोग मद्रासो के घर पे पहुंच चुके हैं, पर यार यहाँ पर बंदे फोटोज वगैरह खींचने में लगे हुए हैं, मेरे हिसाब से मुझे अपनी गाड़ी ना यहीं पर खड़ी कर देनी चाहिए, क्योंकि यार उन्होंने गेट ही बंद कर रखा है, खाली पीली गाड़ी अंदर नहीं ले जाऊंगा मैं, बाहर निकलते हैं गाड़ी से पैदल चलते हैं सीधा घर में। और उसको जो फाइल, ओ सॉरी मैंने बैग से फाइल्स तो ली नहीं, एक मिनट पहले फाइल्स उठा लेते हैं। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल मैंने फाइल्स ले लिया, अपनी गाड़ी को ना मैं लॉक कर देता हूँ, पता चला कोई चुरा के भाग जाए, बहुत ज्यादा महंगी कार है,
पर काफी ज्यादा सही लग रही है यार वहाँ साइड में खड़ी हुई, मतलब कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल का आ रहा है। फटाफट से भी हम लोग अंदर चलते हैं। मैंने उसको कॉल करके तो बोल दिया था कि मैं दोपहर तक आ जाऊंगा। वैसे यार मिस्टर मद्राजो के बेटे ने अपना घर तो काफी ज्यादा बड़ा और तगड़ा बना रखा है, मतलब यार इसको लॉस एंजेलिस का सबसे महंगा घर कह सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, प्लेबॉय मेंशन से महंगा नहीं है, उससे तगड़ा घर अभी तक मेरे को लॉस एंजेलिस में नहीं दिखा, बट फिर भी ये काफी ज्यादा अच्छा है भाई। यहाँ से लेकर पूरा वहां तक का पूरा नजर भी नहीं आ रहा, उस तरफ में भी गार्डन या स्विमिंग पूल कुछ ना कुछ तो बना हुआ है। मतलब यार मद्रासो फैमिली सच्ची में पूरी की पूरी बहुत ज्यादा अमीर है। डैड का घर भी इतना तगड़ा था, फिलहाल घर अच्छा नहीं था, बहुत ज्यादा बड़ा था बस, और इसका घर भी अच्छा है। और सामने की तरफ में गोल्डन रोल्स रॉयस फैंटम लिमोजिन खड़ी हुई है भाई इसकी, मतलब यार देख रहे हो भाई सिक्योरिटी मस्त लगा रखी है। फिलहाल चलकर इसके गार्ड से बात करते हैं और ये बैग इसी को पकड़ा देता हूँ क्योंकि मेरे को लगता नहीं है वो घर पे होगा। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने इसके बॉडी गार्ड को ये फाइल्स वाला बैग तो दे दिया है और ये कह रहा है कि अभी ना फिलहाल मद्राजो सर ने बोला है कि हमें उनसे मिलके जाना है, वो नीचे वाले विला में ही बैठे हुए हैं। शायद उसको हमारे ऊपर शक हो रहा होगा कि कहीं इस बैग में हम लोग नकली फाइल्स तो नहीं डाल के ले आए, तो वो लगे यहाँ चेक भी कर लेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें इस टाइप का और भी काम दे। बट मैं उसको साफ साफ मना कर दूंगा क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि भाई माइकल की फैमिली इसी वजह से उसको छोड़कर गई है और ये यहाँ पर आ भी चुका है अपने बॉडी गार्ड्स के साथ। तो जल्दी से गाइस अभी हम लोग ना इससे बात करते हैं और देखते हैं भाई क्या सीन है। मोबाइल निकाल के बताने क्या चेक कर रहा है। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मेरी इससे बात हो चुकी है और यार मुझे ना इसके ऊपर कसम से बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। ये फाइल्स इसने चेक तो कर लिया है, कह रहा भाई तुमने मेरे लिए ऐसा काम कर दिया है, मतलब मैं क्या ही बताऊं। ये फाइल्स पता नहीं यार सच्ची में इसके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी भाई, इसने इस फाइल्स के बदले हमें अपना एक विला दे दिया है। ये कह रहा तुम जाके देख लो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो बताना, अदरवाइज ये हमें उसके बदले पैसे भी दे देगा, मतलब एक नया घर दे रहा है भाई ये हमें। चल कर देखते हैं भाई आखिरकार कैसा घर है यार। इस बंदे ने तो झटके से बहुत ज्यादा ही खुश कर दिया यार। तो गाइस यार सच्ची में मैंने पहली बार कोई ऐसा बंदा देखा है जिसने अपना काम करवाते ही तुरंत हमें इतना ज्यादा पैसा दे दिया हो। मतलब कि यार पैसा तो नहीं दिया है, बट जिसने हमें घर दिया है वो कोई नॉर्मल घर नहीं है, इसने बोला है वो एक बहुत बड़ा विला है। पहले यार एक बार ना चलकर देख लेते हैं, पता चला एकदम पुराना घटिया सा मिला हो, पर यार नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, इसने अगर हमें बोला है तो अच्छा ही होगा। और वैसे भी इसने कहा अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम उसके बदले मेरे से पैसे ले लेना, बिग माफी का भाई भी हमें तुरंत दे देता था पैसे जो बनते थे, बट यार इसने तो पूरा विला। पहले चलकर देखते हैं, डायरेक्ट तारीफ नहीं करेंगे, विला चलकर देखते हैं कैसा है, फिर इसको मैं बताता हूँ कि मुझे पैसे चाहिए या फिर वो विला में ही मैं खुश। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 1.5 मिलियन लाइक के लिए और ये गोल जितनी जल्दी कंप्लीट होगा नेक्स्ट वीडियो उतनी जल्दी आने वाला है, तो इसलिए सभी लोग जल्दी से आके लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जो भी चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं सोच रहा था कि यार नए डॉग का नाम क्या रखेंगे, इतना बढ़िया घर मिल चुका है, माइकल की फैमिली वापस आ जाएगी, बट अभी बहुत ही गलत सीन हो गया है। तो चलो यार कोई नहीं, फिलहाल अभी हम लोग यहीं पर छुप के रहते हैं। और हाँ यार जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो मेरे से बात करने के लिए। तो ओके गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।